गुस्से में एक बार मुंह पे मारा भी, पूरा खून निकल नाक सब फट गया। समझना चाहिए बच्चों को भी, पेरेंट्स को समझना चाहिए। जब मैंने फोन चेक किया तो देख रहा पूरी नाइट बात हो रही है। काफी सारे लोग गलत कमेंट भी करते हैं, हम तब ध्यान देंगे। हे यू ऑल, वेलकम बैक टू माय वीडियो, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइज आज वापस से हम निकले हैं शूट करने के लिए। और गाइज आज मैंने कुछ अलग सा हेयर स्टाइल, मतलब मैं बहुत अलग सी लग रही हूँ, आपको उतर के दिखाऊंगी कि कैसी। और वापस से अमन मेरे साथ है और आज स्काई भी है। हेलो स्काई। सो हम आज शूट करेंगे। और गाइज जैसे कि साक्षी नहीं है तो अकेले तो मैं बाहर आ नहीं सकती, अकेले तो अपना मत्था फोड़ी नहीं कर सकती, इसलिए अपने साथ लेकर आई हूँ मैं अमन को। है तो गाइज शूट वूट कराएंगे। बच्चे कमेंट्स भी लोग करते हैं और बच्चे अभी ऐसे तो बहुत लोग बोलते हैं, काफी सारे लोग गलत कमेंट भी करते हैं, हम तब ध्यान देंगे। हाँ, मैं वही चीज कह रहा हूँ, एज के हिसाब से मैंने देखा 2-3 साल से जब मना करता हूँ कहते हैं बहुत सारी चीजें मुझे गलत भी लगी। बच्चे हमारे भी गलतियाँ कर रहे हैं, कितने फ्रेंड क्या क्या प्रपोजल करते हैं और फिर वो लोग धीरे धीरे बातचीत हो रही है, वीडियो कॉलिंग हो रही है। देख रहा हूँ नाइट में, देखा हूँ 1 बजे 1:30 बजे 3 बजे मैंने फोन चेक किया तो देख रहा हूँ पूरी नाइट बात हो रही है। लड़की हमारी बात कर रही है, बेटा बात कर रहा है, अच्छी लग रही है। ये तो गलत बात। हम तो सोच रहे हैं सो रहे बच्चा, सुबह पूरे दिन सो नहीं रहा, पूरे दिन फोन पे रात में लगे। इस टाइम पे हिलू भी से चालू हो रहा है, कोई इतने फुलवा रहे हैं, ये सारा सब कुछ फोन तक। स्कूल का जैसे देना पड़ता, मेरा फोन देने का भी नहीं करता बच्चों को, सच बता रहा हूँ। इतना दुखी हूँ, दोनों बच्चे फोन के बिना 1 मिनट नहीं रहते। जब आँख खोले तो देखे फोन, जब देखो तब फोन। नशा हो गया था जैसे, हम तो गुटखा सिगरेट इसका बहुत गंदा नशा। इंस्टाग्राम वगैरह में पासवर्ड डाल के रखते, देख भी नहीं पाते। कई बार तो अपने चैटिंग देखी तो मुझे तो मुझे कौन है वो कौन है, इससे क्या मतलब है। राहुल से प्रो कानपुर तुम्हारी क्यों रात में बात हो रही है, बेटी है, मैं आपसे बता रहा हूँ, मेरा कुछ नहीं बिगड़ रहा है। समझ रहे हो, लेकिन बच्चे हमारे घर बिगड़। समझना चाहिए बच्चों को भी, पेरेंट्स को समझना चाहिए। फेसबुक देख रहे हैं हम कितने मर्डर कहाँ हो रहे हैं, कैसे लोग चारा डालते हैं, फिर कहीं बुलाएंगे, रस्ते में मिलेंगे, फिर कहीं घुमाने ले जाएंगे, फिर जाके कहाँ क्या हो जाए। फिक्र तो होती है, एक बेटी एक बेटा है। लड़के की भी देखते हैं, तुम्हारी गर्लफ्रेंड क्या क्या बातें होती है। 14 साल 15 साल का लड़का, 17 साल की मेरी लड़की है, तो छोटे हैं तो बहुत। 9th 10th में दोनों लोग अंकल होते होंगे, पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे जो टॉप, मतलब बहुत अच्छा पढ़ाई में थे दोनों लोग। क्योंकि 2-3 साल से लॉकडाउन से फोन मैंने क्या दे दिया दोनों को, एकदम खुद दुखी रहता हूँ। 24 घंटे टेंशन फिकर रहती है। अभी घर पे नहीं हूँ लेकिन मुझे फिक्र है, पता नहीं क्या कर रहे हैं। गाइज अगर आपने अंकल की बातें सुनी तो कुछ समझ लेना, अगर जो लोग नहीं समझते अपने पेरेंट्स को कि अंकल उनके लिए इतना होगे तो सबके पेरेंट्स उनको अलाउड करेंगे, बिल्कुल हमें कोई दिक्कत नहीं। अंकल के बच्चे छोटे हैं बट वो थोड़ा नहीं समझते उनको, तो समझना चाहिए अपने पेरेंट्स को भी, तभी पेरेंट्स आपको समझेंगे और अलाउड करेंगे हर एक किसी चीज के लिए। मैंने गुस्से में एक बार मुंह पे मारा भी, पूरा खून निकल नाक सब फट गया। 10 बार समझा चुका हूँ, लेकिन जब बार-बार गलत देखे तो आदमी क्या करे। तो कुछ मर गया है तो बच्चों को मारेगा सही, अगर बच्चा नहीं मान रहा है तो आपको पिटाई तो लगानी पड़ेगी। या फिर माली क्या करे, अगर उसके फूल पौधों को पानी नहीं दे, ध्यान नहीं दे तो बाघ को फूट उजड़ जाएगा ना। नहीं कल इसी पे ना प्लेटफॉर्म्स पे, मतलब इंस्टाग्राम यूट्यूब से बिगड़ भी बहुत जल्दी जाते हैं, बट कुछ लोग अगर सही से लेके चले तो सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है, मतलब प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया। इससे अच्छा कुछ भी नहीं, बहुत कम। मतलब सो जो भी मेरी वीडियो देख रहा है, पेरेंट्स के लिए सोचो सिवाय किसी और की। सो गाइस अमन भी कुछ बोलना चाह रहा है, बोलो। फर्स्ट प्रायोरिटी पेरेंट्स, देन उसके बाद कोई और कुछ। हाँ क्योंकि मेरे को यार ये है अंकल की बात मैं अच्छे से समझ पा रही हूँ कि हो जाएगी, हमें कोई दिक्कत नहीं। जो लड़का चॉइस करोगे, हम थोड़ा सा हमें लगेगा हाँ सही है, लड़का सही कमा रहा है, हम शादी भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। बहुत अच्छा लगा मुझे अंकल से बात करके। मुझे भी अंकल, मेरे पेरेंट्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं, मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। मेरे बच्चे भी बहुत अच्छे, मैं ऐसा बुराई ये चीज मुझे नहीं अच्छी, बहुत प्यार करते हैं मुझे, मेरे दोनों बच्चे बहुत प्यार करते हैं। नहीं, जो चीज गलत है अगर आप नहीं डांटोगे तो कोई और तो गलतियां बताएगा ही। तो बहुत बेटर भी रहा हूँ, बहुत लोगों की लाइफ भी चेंज की है मैंने, आज खुद के लिए परेशान है। हो जाएगा सब बढ़िया, समझ जाएंगे अंकल। जैसे जैसे बड़े होंगे ना, एक्सपीरियंस मिलता रहेगा चीजों का, तो पता चलता रहेगा। फ्रेंड लोग, कई उसकी सहेलियाँ जो मैसेज करती थी ना, उसपे अरे उसको बात कर लो, तुझसे बात करने को बोल रहा है ये वो, मुझे मिला था वहाँ पे रास्ते में ऐसा। अंकल कुछ कुछ संगत भी बहुत गलत है ना। मैं शुरुआत से माँ को अपने बेटे को संगत में कि ये सब चीजें ना, ट्यूशन क्लास ये वो खुसुर पुसुर। भाई व्हाट्सएप कॉल आ रही है, जब मैं कह रहा हूँ वीडियो कॉल आ रही है मेरे सामने बात करो, क्या प्रॉब्लम है तुमको? स्पीकर ऑन करो, क्या प्रॉब्लम है? तुम्हारी फ्रेंड बात कर रही है, क्या प्रॉब्लम है? भाई पापा हूँ, बाप हूँ मैं। मुझे घर ने कहा कि तुम लोग सहेलियाँ क्या बात करती हो? रोज तो नहीं करता हूँ, कभी एक बार कह रहा हूँ मुझे डाउट हो रहा है कुछ ना कुछ तुम लोग की गलत खिचड़ी पक रही है। बेटा छत पे, संगत से फर्क पड़ता है बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। मेरी बेटी ऐसी नहीं थी, हमें पता है, मेरा बेटा भी ऐसा। संगत बिगाड़ देती है। हाँ आजकल उन लोगों को। अंकल मेरे पूरे ग्रुप में मैं अकेली लड़की हूँ और मेरे सारे जो दोस्त हैं ना वो सब लड़के हैं, लेकिन सारे इतने अच्छे हैं, मतलब बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल हमें कोई दिक्कत देखिए। और जो लोग अंकल गलत होते हैं ना उनसे पहले ही पीछे हट जाते हैं, लोग गलत हैं। गाइज हमारी ट्रिप एंड हो चुकी है और बहुत अच्छा लगा मुझे अंकल के साथ बात करके। गाइज हम लोग आ चुके हैं और अंकल से बात करके बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और अंकल थोड़े से परेशान थे, बट मैं यही बोलना चाहूंगी कि जो भी पेरेंट्स आपके लिए करते हैं उनको थोड़ा सा समझो। और इधर से चलना ना। हाँ, हमारे पेरेंट्स हमारे लिए इतना सब कुछ करते हैं, हमें जन्म दे के पाल पोस कर इतना बड़ा करते हैं और हम फिर उनका दिल दुखाते हैं तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। सो प्लीज़ अपने पेरेंट्स को समझो और उनके लिए कुछ करो, उनको हर्ट मत करो प्लीज़। सो गाइस फटाफट से शूट कराते हैं और मैं अपना आउटफिट दिखा देती हूँ। स्काई दिखाओगे एक बार? गाइस मैंने सिंपल सा आउटफिट पहना है और ऐसे चोटी बनाई है। तो गाइस अभी अमन अपना शूट करा रहा है, फिर अमन का शूट हो जाएगा तो मैं अपना शूट कराऊंगी। मेरे को ज़्यादा ऐसे कुछ खास शूट नहीं कराना, बस थोड़ी सी नॉर्मल पिक्चर्स क्लिक करानी है, बिकॉज मैं कुछ आज ऐसे खास आउटफिट नहीं पहन कर आई हूँ, नॉर्मल आउटफिट पहन कर आई हूँ। बट देखते हैं अगर इसमें भी फ़ोटोज़ आ जाती अच्छी तो हम करा लेंगे। सो गाइज आवर शूट इज़ डन और अमन ने भी कराया। मेरी फ़ोटोज़ आ नहीं रही थी बट करा ली और ऐसा कुछ ज़्यादा रुकने का मन नहीं हो रहा है, तो हम सोच रहे हैं अभी समीर के यहाँ पे जाना है। समीर के यहाँ पे जाना है ना, अभी समीर के यहाँ पे जाना है, समीर को भी कुछ काम है, मतलब इन लोग को शूट वूट कराना है। सो तब अभी बस भाई सुनाई नहीं देता क्या? हाँ। और आज ना मैंने कुछ नहीं खाया क्योंकि आज मेरा ना व्हाइट सॉस पास्ता खाने का मन है, तो समीर का घर जिधर है उधर व्हाइट सॉस पास्ता बहुत ज़्यादा टेस्टी मिलता है, तो वहाँ जाके व्हाइट सॉस पास्ता खाऊंगी। बहुत बढ़िया गाइस, इन्हें पता नहीं कौन सा मजा आ रहा है। गिर दे इसके सर पे, गिर दे। सो गाइस हम समीर के घर आ चुके हैं और आते ही भैया ने चाय नाश्ता रेडी कर दिया एकदम। सो फटाफट से चाय पी लेती हूँ, उसके बाद आगे का जो भी होगा। उसका ना कोई एक ही नहीं होता था, आराम से थोड़ा सा थोड़ा सा आराम से हाथ रख के थोड़ा। बाय बेटा, बाय। तो यार गाइस मैं घर आ चुकी हूँ और जैसे मम्मी और जिया दोनों, मतलब मम्मी जिया को स्कूल से लेकर आ रही थी, तो फिर मैंने मम्मी को भारी रोक लिया था कि मुझे भी साथ ही लेके जाना। तो जैसे ही मैं ऑटो से उतरी तो मैंने ऑटो से उतर के ऐसे हाथ हिलाया क्योंकि ये लोग मुझे ढूंढ नहीं पा रहे थे, तो मैंने दूर से हाथ हिलाया तो ये लोग आए फिर मेरे पास। और जिया मुझे बोल रही दीदी आप ऑटो से उतरे ना तो आप एकदम अलग लग रहे थे, ऐसे लग रहे थे जैसे आप बाहर देश से आए हो। मैंने कहा ओए, मैं अलग इसलिए लग रही थी क्योंकि मैंने आज चोटी बनाई और मैं एकदम रेयर चोटी बनाती हूँ और जब भी चोटी बनाती हूँ तो मैं बहुत ब्यूटीफुल लगती हूँ गाइस। जस्ट किडिंग, बट अच्छी लग रही हूँ। आज मैंने चोटी इसलिए बना ली बिकॉज मेरे ना ऑयली हेयर हो रहे थे, तो मेरा हेड वॉश करने का मन नहीं हुआ, मैंने सोचा ऐसी चोटी बना लेती हूँ। सो इसलिए मैंने ये चोटी बना ली। बस अब गाइस चेंज करूंगी, खाऊंगी पीऊंगी और रेस्ट करूंगी। बाकी मेरे 2-3 पार्सल आए हैं, वो आपको शॉर्ट्स में देखने को मिलेगा कि मैंने क्या मंगाया है। और जैसे ड्राइवर अंकल की आपने बात सुनी तो उससे कुछ सीख लेना। बाकी इसी के साथ इस वीडियो को एंड करती हूँ। होप करती हूँ वीडियो में आपको मजा आया होगा। अगर वीडियो में आपको मजा आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में बताना वीडियो आपको कैसी लगी। कल मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर, पीस।